बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे और मंत्री संतोष सुमन को सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 18 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संतोष सुमन की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो सकती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की आज अहम बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में जीतन राम मांझी समेत राष्ट्रीय परिषद के तमाम सदस्य और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक भी शामिल हो रहे हैं। जीतन राम मांझी ने इसके पहले संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में अपनी पार्टी के कोटे से जगह दिलवाई थी और अब यह माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार संतोष सुमन के नेतृत्व की कमान देने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का इंतजार किया जाएगा। स्टैंड रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान वहां मौजूद हम के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी यह कहा कि संतोष सुमन अगर पार्टी की कमान संभालते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं के अंदर नया उत्साह भरेगा।